एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश चैनल जीरो टू जेड इंग्लिश, आपका अपना चैनल। देखिए, जैसा कि हम आपको डिफरेंट वर्ड्स लाते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नॉलेज भी आपको दे रहे हैं, ग्रामर सिखा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव लेवल में, राइट। सीजीएल या एसएससी लेवल पे आपको सिनोनिम्स वगैरह भी आते हैं, समानार्थक शब्द जो सेम मीनिंग वाले होते हैं। तो मैं आपको एक दो या तीन वर्ड बीच बीच में आपको ये समानार्थक वर्ड भी दूंगा, राइट। ये हमारी यात्रा इंग्लिश पढ़ाने की छोटी मोटी नहीं है, बहुत लंबी यात्रा है, बहुत आगे तक जाना है, तो हम चीजों को ऐसे लाइन से लेंगे। लेकिन मेरी प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब आप करें, ताकि शुरू से सारी वीडियोज मिले, ओके। तो देखिए, एंगर, एंगर माने क्या होता है? क्रोध, गुस्सा। एंगर माने होता है क्रोध। अब क्रोध को हम रिसेंटमेंट भी बोलते हैं। देखिए, रिसेंटमेंट, रैथ, रेज, फ्यूरी, कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं आप, राइट। जैसे आर ई एस ई एन टी, एम ई एन टी, रिसेंटमेंट, ओके। फ्यूरी, आक्रोश, ओके। डब्ल्यू आर ए टी एच, रैथ, ओके। तो रिसेंटमेंट, रैथ, फ्यूरी, और एक और वर्ड है आर ए जी ई, रेज। इन सब का मतलब होता है क्रोध, ओके, आक्रोश, गुस्सा, ओके। इन सब का, एंगर, रिसेंटमेंट, रेज, फ्यूरी, रैथ, आपको ऐसे ही लर्न करना है। एंगर माने क्रोध, रिसेंटमेंट, रेज, फ्यूरी, रैथ, या रिसेंटमेंट, रैथ, फ्यूरी, रेज, इन सब का मतलब होता है आक्रोश, क्रोध, गुस्सा, राइट। नाराज होना, नाराज होना, ये सब सिनोनिम वर्ड्स हैं, अंडरस्टैंड। अब देखिए, आते हैं हम अबेंडन पे। अबेंडन माने होता है त्यागना, किसी चीज को छोड़ देना। एक घर है, उसको त्याग दिया है, वो बंद पड़ा है, खंडहर बन गया है, राइट। डिलैपिडेटेड माने टूटा फूटा, खंडहर। तो देखिए, अबेंडन माने होता है त्यागना, तो त्यागना मतलब फोरसेक, ओके। फोरसेक माने छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप, मैंने आपको बता दिया है। और देखिए, एबडिकेट, तो देखिए गिव अप, ओके, एबडिकेट, अंडरस्टैंड। तो देखिए, गिव अप, एबडिकेट, फोरसेक। नेक्स्ट वर्ड एफ ओ आर एस ए के ई, फोरसेक, गिव अप, एबडिकेट, फोरसेक। और देखिए, रेलिंक्विश, एक और वर्ड है, आर ई एल आई एन क्यू यू आई एस एच, रेलिंक्विश, ये एक वर्ड है। तो ये मैंने आपको अबेंडन माने त्यागना, गिव अप, एबडिकेट, फोरसेक, रेलिंक्विश, आपको एक वर्ड बताया जा रहा है, लेकिन साथ में तीन वर्ड, यानी टोटल चार वर्ड समझ में आ गए आपको, ओके। एक वर्ड बताया अबेंडन, साथ में फोर वर्ड्स ये आए, फाइव वर्ड्स आ गए समझ में, अंडरस्टैंड। तो देखिए, सिनोनिम जानने से आपको बहुत नॉलेज बढ़ेगी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये रटना ही पड़ेगा आपको, इस पे मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड निकाल के दे रहा हूं, टीचर का काम है इंपॉर्टेंट थिंग्स निकाल के देना जो जनरल यूज में आती है, और उससे आपकी रीडिंग राइटिंग सब कुछ सुधरेगा। अब देखिए, तीसरा वर्ड हम लेते हैं एडेप्ट, ये जो हमने वर्ड लिया है नीचे, ए डी ई पी टी। अब देखिए, एडेप्ट वर्ड, एडेप्ट माने होता है कुशल, जैसे कुशल कारीगर, मैंने वो आपको एक दिन लिखवाई थी मीनिंग, ए डी ए पी टी, अडाप्ट माने ढाल लेना, अपने आप को किसी माहौल में ढाल लेना, या ए डी ओ पी टी, एडॉप्ट माने स्वीकार कर लेना या गोद लेना, और इस एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, यानी एक्सपर्ट, यानी कि किसी कार्य का, यहां एक्सपर्ट। अब देखिए, एक्सपर्ट,
राइट। एक्सपर्ट के बाद आता है एप्ट, ए पी टी। देखिए एक्सपर्ट, एप्ट, और एक वर्ड होता है डेक्सटेरस, डी ई एक्स टी ई आर ओ यू एस। तो एडेप्ट माने कुशल, एक्सपर्ट, एप्ट, डेक्सटेरस। और एक और वर्ड हम ले सकते हैं इसमें, वो होगा आपका स्किलफुल, एस के आई एल एफ यू एल। स्किल में से एक एल हट गया, फुल में से एक एल हट गया, जब दोनों मिल गए तो स्किलफुल। तो देखिए एडेप्ट कुशल, एक्सपर्ट, एप्ट, डेक्सटेरस और स्किलफुल। एक वर्ड आपने जाना और आपको एक दो तीन चार पांच वर्ड मिल गए। तो इस तरह से हम दो से तीन वर्ड बीच में लेंगे। ये सिनोनिम्स आपके एग्जाम्स में बहुत जरूरी हैं, इनको रटना ही पड़ेगा, इनके लिए आप और कोई ऑप्शन नहीं होता है, राइट। तो आप इन सब की अच्छे से तैयारी करें और रीडिंग को कभी ना भूलें, रीडिंग कभी नहीं भूलेंगे आप, रीडिंग भूलना नहीं है। न्यूज़पेपर रीडिंग करो, टेलीविजन देखो, न्यूज सुनो, हॉलीवुड मूवीज देखो, राइट। और कोशिश करो कि जब अकेले हो तो इंग्लिश में बोलो, राइट। थैंक यू सो मच, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी है, इसलिए मैं बोलता बहुत हूं, आपको चीजें बताता हूं मैं, बेसिक चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।